हेलो मेडिकोस आई एम अंकिता लनावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग मेडिको आज के पैरासाइटोलॉजी के लेक्चर में हम देखेंगे ग्रैनुलोसिस आल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड द लर्निंग मेडिको फॉर हैंड रिटन नोट्स ऑफ दीजियोज दीज आर रियली हेल्पफुल सो चेक इट आउट ऑन इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ सो इकानोकोकस ग्रैनुलोसिस कॉमन नेम डेपवम डॉग टेपवम बिकॉज इट्स अ डेफिनेटिव होस्ट इज अ डॉग सो डॉग टेपवम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन एंड हैबिटेट हैबिटेड वर्म हमें मिलेगा डॉग्स में का उनके जेजुनम और डिओडेनम में डॉग्स के और जो लार्वल स्टेज है वो हमें ह्यूमन बींग में दिखाई देगा ह्यूमंस में दिखाई देगा सो अडल्ट वर्म हमें दिखेगा डॉग में और जो लार्वल स्टेज है वो हमें मैन uh, में दिखाई देगी मॉर्फोलॉजी सो द अडल्ट वर्म इट इज़ थ्री टू सिक्स मिलीमीटर इन लेंथ आप देख सकते हो डायग्राम सो so, उसके पार्ट्स क्या क्या है इट हैज अ अकोलिक्स विच इज स्पाईरी फॉर्म एंड इट हैज फोर सकर्स उसको फोर सकर्स होते हैं एंड स्ट्रॉबेला इट इज कम्पोज ऑफ ओनली थ्री प्रोग्लॉटर्स स्ट्रॉबेला इज लाइक अ बॉडी सो थ्री प्रोग्लॉटर्स उसमें कौन से है द एंटीरियर मैच्योर मिडल एमेच्योर दर एम सॉरी दर एमच्योर द मिडल मैच्योर एंड द पोस्टीरियर वन इज द ग्राविट सेगमेंट आप डायग्राम में देख सकते हो सब मार्किंग्स की हुई है एंड अ शॉर्ट नेक नेक भी दिखेगी आपको सो द एग्स एग्स इट इज ओव शेप इट इज ब्राउन एंड कलर

इन लिवर हम आगे डिटेल में देखेंगे लाइफ साइकिल सो इट इस लाइफ साइकिल इन टू होस्ट द डेफिनेटिव होस्ट इज डॉग फॉक्स और वुल्फ मेनली डॉग एंड द इंटरमीडिएट होस्ट इज शिप एंड द एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट होस्ट इज मैन अगर ह्यूमन बींग ने एक्सीडेंटली एग्स सॉलो कर लिए कंटेमिनेटेड फूड या वाटर थ्रू तब तो उसे ये इन्फेक्शन so the intermediate host is usually a ship but accidental intermediate host is considered to be man now life cycle eggs are ingested by intermediate host so what which is the intermediate host ship and the accidental intermediate host man man uh, gets it through the contaminated food or water so these आफ्टर दिस एग्जा रिलीज देंट एम्ब्रियोज रिलीज सो वॉट इज एग्जासब्रियो मतलब एम्ब्रियो जिसके सिक्स हुक्स होते हैं हमने अभी मॉरफोलॉजी में देखा कि सिक्स थ्री पेयर्स ऑफ हुक्ट्स मतलब सिक्स हुक्स सो एग्जास मीन्स इट हैज सिक्स हुक्स इट इज़ लिबरेटेड विच पेनीट्रेट द इंटस्टेनल वॉल इंटेस्टेनल वॉल ऑफ शिप और मैन जिसमें भी वो चला गया है एंटर्स इन टू द पोर्टल वेन्यूल्स पोर्टल वेन्यूल के थ्रू वो कहा जाएगा लिवर में जाएगा लिवर में जाने के बाद वो यहाँ पर ट्रैप्ड हो जाएगा किससे क्या होगा वो हाइड्रेटेड डेवलप वो होगा हाइड्रेट सिस्टम अब ये जो हाइड्रेटेड सिस्ट है यह हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे जब हम इसके पैथोजेसिस देखेंगे सो so, सम जो कुछ एम है वो लीवर के थ्रू पास हो जाते हैं कहा जाते हैं वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाते हैं एंड दीज आर कॉड इन द पल्मोनरी कैपिलरीज राइट साइड ऑफ हार्ट लिवर के थ्रू कहा गए वो रिवर से लिवर से रिलीज हो गए वो गए राइट साइड ऑफ द हार्ट राइट साइड ऑफ द हार्ट के थ्रू वो गए पल्मोनरी कैपिलरीज में एंड दिस कार्काज ऑफ द इन्फेक्टेड शिप विथ हाइड्रेटेड सिस्ट एर एजिस्टेड बाई डॉग जो इनके रिमेन होते हैं बॉडी जब शिप मर जाती है जिसके अंदर ये हाइड्रेट सिस्ट फॉर्म हो गया था तो उनके जो बॉडीज रहते हैं अगर किसी डॉग ने वो खा ली है तो ये सिस्ट जो है वो डॉग के अंदर चले जाएंगे सो so, uh, दस नाउ दिस आर इन्फेक्टेड टू डॉग्स इन्फेक्टिव टू डॉग्स अब डॉग्स इन्फेक्ट हो गए सो द इंजेस्टेड स्कॉलेक्स एक्सैजिनेट इन द इंटस्टाइन एंड डेवलप्स इन टू अडल्ट वम इन स्मॉल इंटस्टाइन हमने देखा था जो अडल्ट वर्म है वो हमें कहाँ मिलता है वो हमें मिलता है डॉग के अंदर सो द स्कॉलिक्स जो है वो डेवलप होता है इंटस्टाइन में डेवलप होता है किसमें अडल्ट वम में and the eggs are passing feces, feces of dog, eggs are passing feces, and the life cycle continues. सो so, हमने क्या देखा कि जो आ, एग है वो इंजेस्ट होते हैं किससे शिप से जब वो ग्रेस करेगी तब वो आ, सिस्ट इंजेस्ट कर सकती है और जो मैन है वो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर थ्रू से इंजेस्ट कर लेता है तो वो जाते हैं उनके इंटेस्टाइन में और वहाँ पर फिर जो एक्स हेग्जासब्रियो मतलब जिसके सिक्स हुक्स है वो रिलीज होता है एम्ब्रियो रिलीज होने के बाद वो डेवलप होता है लार्वे में लार्वे में कहाँ डेवलप होगा फिर वो पास होगा ल, आ, इस पर पोर्टल वेसल्स में रिलीज होगा पोर्टल वेसल्स थ्रू हो जाएगा लिवर में लिवर थ्रू जाएगा वो राइट साइड ऑफ द हार्ट राइट साइड ऑफ द हार्ट के बाद वो जाएगा पल्मोनरी कैपिलरीज में और जो डेड शिप्स uh, है उनकी जो बॉडीज़ है अगर जब डॉग वो खा लेता है तो वो डॉग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं फिर वो डॉग्स में आने के बाद जो स्कॉलेक्स है मतलब जो उसका हेड है वो एक्साइजिनेट uh, करता है Uh, उसके इंटेस्टाइन को किसके डॉग के इंटेस्टाइन को और डेवलप होता है अडल्ट वर्म में हमने पहले देखा था अडल्ट वर्म किस में दिखाई देता है डॉग्स में तो वो डेवलप होता है अडल्ट वर्म में जो अडल्ट वर्म है वो फीसेस ले करते अडल्ट uh, वर्म है वो एग्स ले करते हैं फीसेस में जो बाहर थ्रो किए जाते हैं और ऐसे ही लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता है सो द डेफिनेटिव होस्ट ईयर इज डॉग एंड द इंटरमीडिएट होस्ट ओवर यर इज शिप

हाइड्रेट सिस्ट इसमें जो है वो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है एक हॉलो कैविटी में जिसके अंदर होता है फ्लूड अब हम देखेंगे आगे जेस्ट लोली एंड रीचेज अ डायमी ऑफ जीरो इन अबाउट सिक्स मंथस लगते हैं दिस ग्रोइंगशन लीडिंग टू डिपोजिशन ऑफ फाइबर फाइबर थ्रेड लाइक मटेरियल डिपोजिट हो जाता है वो जो हाइड्रेटेड सिस्ट है उसके साइड को सो दिस्ट वॉल सीक्रिएटेड बाई द एम्बियो कंसिश ऑफ थ्री लेयर कौन से कौन से लेयर है फर्स्ट लेयर इज़ द पेरिसट इट इज़ द आउटर होस्ट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कंसिस्टम ऑफ फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफ्रेशन मोनोन्यूक्लियर सेल योसिनोफिल एंड जायंट सेल इवेंचुअली डेवलपमेंट टू डेंस फाइब्रस कैप्सूल विच में इवन कैल्सिफाई फाइब्रस कैप्सूल मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है उसके साइड को और वो हार्डन भी हो जाता है बाद में हार्ड भी हो जाता है सो so, उसकी जो आउटर लेयर है वो पेरिसिस्ट है Uh, जो बीच में की लेयर है इंटरमीडिएट लेउटर आउटर सिस्टिस पेरिसिस्ट इंटरमीडिएट उसके अंदर की है एक्टोसिस्ट और वो है असेलुलर है चिटीनियस है लैमिनेटेड है हयाली लैमिनेटेड हयालीन मटेरियल बहुत स्मूथ लेयर होती है वो इट हैज़ अपियरेंस ऑफ द हार्ड वाइट ऑफ द हार्ड बॉइल्ड बॉइल्ड एक का कैसे रहता है बाहर का कवर वैसे बिल्कुल सेम होती है एक्टोसिस्ट एंड द लास्ट इज द एंडोसिस्ट विच इज़ द मोस्ट इनर मोस्ट लेयर एंड विच इज सेल्यूलर सेल्यूलर है एंड इट कंसिस्ट ऑफर ऑफ न्यूक्लिया प्रोटोप्लाजमिक थ्री लेको एग्जाम में तीनों लेयर्स लिखनी पड़ेगी सो लास्ट लैब डायग्नोसिस इमेजिंग टेक्निक्स उसमें आता है यूएसजी डायग्नोस्टिक डिजीज़ ऑफ़ चॉइस सि टी स्कैन लेते हैं फॉर एक्स्ट्रा हेपैटिक डिजीजेस मतलब लीवर के अलावा और कौन से ऑर्गन अफेक्ट हुए हैं तो हम सिटी स्कैन कर लेते हैं एम आर आई करते हैं फॉर इन स्पाइनल वर्टिब्रे अगर स्पाइनल वर्टिब्रे में कोई सिस्ट आ गए हो तो उसके लिए एम आर आई करते हैं एक्सरे फॉर इन बोन्स एंड लंग्स बोन्स या फिर लंग्स में भी आ सकते हैं सिस्ट सो हम एक्सरे भी करते हैं एंड आई वी पाइलोग्राम फॉर रीनल डिजीजेस सो द एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टिक फ्लूड इट रिवील्स स्कोलियसिस ब्रूड कैप्सूल्स एंड हुकलेट्स ये सब चीज़ें जो अडल्ट वर्म है, लार्वस एज है सॉरी तो उसमें हमें दिखाई देती है एंड द डायग्नास्टिक पंक्चर ऑफ द सिस्ट इज़ नॉट रिकमेंडेड डायग्नोस्टिक पंक्चर यूजली रिकमेंड नहीं किया जाता है नाउ द कैसोनिस टेस्ट वो एक हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट होती है और वो नॉन स्पेसिफिक है इसलिए अभी उसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है सीरोलॉज सीरो डायग्नोसिस बाय एंटीबॉडी डिटेक्शन इज बाय आई एच ए एलाइजा ये दो लिखनी है एंटीजन डिटेक्शन बाय डबल डिफ्यूजन एंड सी आई डी ये दोनों टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट Uh, पहले तो है सर्जिकल रिमूवल सर्जिकल रिमूवल मतलब हम लीवर में से सिस्ट सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं अगर वो सिस्ट बहुत बड़ा हो गया हो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो गई हो तब हम ये इसे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज द अल्ट्रासाउंड स्टेजिंग इज रेकमेंडेड एंड मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन दिस अपॉन द स्टेज अल्ट्रासाउंड स्टेजिंग हमें तब यूज़ करनी चाहिए अगर उस स्टेज पर हम उसे मैनेज कर सकते हैं उस डिजीज को तब हमें अल्ट्रासाउंड स्टीजिंग यूज करनी चाहिए uh, जब हम अर्ली स्टेज में द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस पंक्चर एस्पिरेशन इंजेक्शन और री एस्परेशन पेर पी ए आई आर आप ऐसे रख सकते हो पंचर एस्पिरेशन इंजेक्शन एंड रीएस्पिरेशन सो प्रोफाइल एक्सेस वट हाउ कैन बी प्रिवेंट दिस डिजीज़ इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई इन्श्योरिंग पेड डॉग्स डू नॉट ईट एनिमल कारकाजिस मतलब रोड पर जो भी शिप्स या फिर ये हो uh, गिरे हुए हो और आपको नहीं पता कि वो किस कहाँ से आए हैं तो डॉग्स को ये नहीं यूज़ खाना चाहिए पेड डॉग्स को पीरियोडिकल डी वर्मिंग डी वर्मिंग किया जाता है जिसकी वजह से डॉग्स को इन्फेक्शन ना हो पेड डॉग्स को डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रे एंड इन्फेक्टेड डॉग्स

And uh, for handwritten notes of this video, you can follow me on Instagram at the Learning Medical. Link description box me de And please do subscribe to my channel, the Learning Medical. Thank you.